उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी के पुनर्प्राप्त जन्म दिवस पर बुधवार को उनके आवास बहादुरगंज में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें अन्य मंत्री भी पहुंचकर पूजा में शामिल हुए और भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, मंत्री सुरेश खन्ना, गिरीश चंद यादव, प्रतिभा शुक्ला आदि लोग पहुंचे। नंदी और अभिलाषा गुप्ता ने बहादुरगंज स्थित प्राचीन मनोकामना पूर्ति शिव मंदिर में सुबह भगवान शिव का पूजन और रुद्राभिषेक किया। इसके उपरांत नंदी एवं उनकी पत्नी पूर्व महापौर अभिलाषा गुप्ता ने रक्तदान किया। देखिए 2010 में माननीय मंत्री जी के ऊपर 12 जुलाई को ही आरडीएक्स से बॉम्ब ब्लास्ट किया गया था, जिसमें हमारे कई लोग ख़त्म भी हुए थे और माननीय मंत्री जी को बहुत ज़्यादा चोटें आई थी और हम सब वो 7 दिन कोमा में भी रहे। और उस समय तत्कालीन जो सरकार थी, माननीय मुख्यमंत्री जी जो महोदया थी, उन्होंने बड़ा सहयोग किया था और हम उन्हें PGI ले जा पाए थे, वरना बिल्कुल उनका इस तरह से जो अटैक हुआ था उसके बाद उनके ऊपर और प्राणघात होना था, क्योंकि जो लोगों ने अटैक किया था वही हॉस्पिटल में घूमना शुरू कर दिए थे। तो पहले भी राजू पाल जी की हत्या उसी तरह से की गई थी। तो माननीय मंत्री जी को जब PGI ले गए, वो 7 दिन कोमा में रहे और 7 महीना 7 दिन वो रहकर उनका इलाज चला। और हम ये इलाज डॉक्टरों ने तो किया, लेकिन हम सब मानते हैं कि ये ईश्वर का जितना आशीर्वाद था उतना हर व्यक्ति का आशीर्वाद, चाहे वो किसी भी जात धर्म मजहब का रहा हो, उसने माननीय मंत्री जी के लिए अपना आशीर्वाद अपनी दुआएं दी थी। और आज हम सब परिवार उन्हीं की वजह से हैं, क्योंकि उन्होंने माननीय मंत्री जी को इतना आशीर्वाद प्रदान किया कि आज वो फिर से उसी समाज सेवा में जुड़े हैं। क्योंकि माननीय मंत्री जी की स्वयं की कोई दुश्मनी नहीं थी, क्योंकि उन्होंने समाज सेवा का बीड़ा उठाया, व्यापारियों की सुरक्षा के लिए लड़ाई लड़ी और यही सुरक्षा को भांपते हुए कहीं ना कहीं जो दुश्मन थे समाजवादी पार्टी के, उन्होंने ये कोशिश किया कि ऐसे लोगों को हटाया जाए, तब एक मनोबल बढ़ने का काम होगा कि व्यापारियों पे अपनी पैठ होगी और जो लूट घसोट बराबर चलती थी वो व्यापारियों से लूट घसोट होती रहेगी। और आज हमारी सरकार की वजह से कहीं ना कहीं बाहुबली आज वो सब जेल में हैं और ईश्वर पर और न्यायपालिका पर हम सबको पूरा विश्वास है कि उन्हें उनके किए की सजा अवश्य मिलेगी और आगे आने वाला भविष्य लोगों की दुआओं से, लोगों के आशीर्वाद से, भगवान की अनुकंपा से बहुत अच्छा रहेगा। और हम सब माननीय मंत्री जी के लिए यही चाहते हैं, अगर वो हैं तो हम लोग स्तंभ हैं और माननीय मंत्री जी अगर एक बागडोर लेकर चल रहे हैं तो उसकी साथ हम सब चलते रहेंगे और समाज की सेवा करते। नंदी ने बहादुरगंज स्थित प्राचीन मनोकामना पूर्ति शिव मंदिर में भगवान शिव की विशेष आराधना की। देश के 12 ज्योतिर्लिंग का जल लेकर प्रयागराज पहुंचे ज्योतिर्लिंगों के पुजारियों ने भगवान भोलेनाथ का विशेष रुद्राभिषेक कराया। इस दौरान उनके तमाम कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने भी रक्तदान किया। बहादुरगंज स्थित प्राचीन मनोकामना पूर्ति शिव मंदिर में रुद्राभिषेक शुरू हुआ। इस दौरान वाराणसी के प्रसिद्ध डमरू दल द्वारा भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए डमरू वादन किया गया। 12 जुलाई 2010 इस वक्त पूरे शहर में, पूरे प्रदेश में, देश में अफरा तफरी का माहौल था। पहली बार किसी पॉलिटिकल नेता को RDX बम ब्लास्ट से उड़ाने की कोशिश की गई। हमारे बीच दो हमारे साथी नहीं रहे, मैं आज के दिन उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और बहुत सारे लोग घायल हुए थे, खून नालियों में बहा था। हमने उस दिन से संकल्प लिया, मैं तो कोमा में था, मुझे लोग बताते हैं कि सड़कों पे लोग एकदम उतावले थे, मेरा खून ले लो, मेरा खून ले लो। हमने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया और लोगों को, मैंने, मेरी पत्नी ने, मेरी बेटिया ने, सब ने ब्लड दिया और लोगों को प्रेरित किया कि प्रयागराज आत्मनिर्भर बने ब्लड के मामले में। लोगों को कभी ब्लड की ज़रूरत होती है तो कहते हैं पहले कोई डोनर ढूंढ के लाओ, तो आदमी को जिसको ज़रूरत है तुरंत, ऐसी हमारी सोच है, उसी के तहत हमने ब्लड कैंप का आयोजन किया। और इस समय पूरे प्रदेश में, पूरे शहर में हर मिनट पे खबर उठती थी कि डेथ हो गई है, दबा के रखा गया, छुपा के रखा गया कि दंगा ना हो जाए। तो मेरा ये जीवन, मैं मानता हूँ कि भगवान
भोलेनाथ जी की कृपा है, उनके आशीर्वाद से मुझे पुनर्जीवन मिला। तो उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए जिस समय हमला हुआ ठीक उसी समय रुद्राभिषेक और पूजन का आयोजन होता है और दिन भर पूजन चलता रहता है। और मेरे मोबाइल में, मेरे कंप्यूटर में जितने लोगों का नाम नंबर सेव है, मैं सबको कार्ड भेजता हूँ और सादर आमंत्रित करता हूँ। तो आमंत्रित करने के बाद मेरी जिम्मेदारी बनती है कि किसी भी स्टॉल पर किसी भी चीज़ की कमी, इसलिए मैंने इस साइड 35,000 प्लेट, उस साइड 25,000 प्लेट और जो चंद्रलोक के साइड है बाहर 15,000 प्लेट, अंदर 8,000 प्लेट, तो 83,000 प्लेट लगी हुई है। लोग, हम लोगों ने क्या किया कि सबसे लास्ट वाला काउंटर एक नंबर रखा, फिर दो नंबर, फिर तीन नंबर, ऐसे खोलते जा रहे हैं, जैसे जैसे भीड़ होगी वैसे करते जाएंगे। फिर